हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिवर्स का प्रोग्राम करेंगे एरे के थ्रू। जो भी हम नंबर इनपुट करें वो हमारे रिवर्स होके प्रिंट होने चाहिए। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एरे बनाना पड़ेगा। अगर एरे के अंदर हम रिवर्स प्रिंट कराते हैं तो उसके लिए हमने इंट नाम के डेटा टाइप के अंदर ए नाम का वेरिएबल बनाया और उसकी साइज डिक्लेयर कर दी 5। आप कितनी भी कर सकते हो, मैंने यहाँ 5 किए, मुझे 5 एलिमेंट्स ही इनपुट करवाने। आपको जितने यहाँ 10 कराने, 15 कराने और 20 कराने, कितने भी कराने हो तो आप यहाँ पे उसकी साइज को डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अब हमने प्रिंटर फंक्शन का यूज करेंगे और हमको यूजर से इनपुट लेने से पहले ही ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए हमने एंटर एरे एलिमेंट ये मैसेज प्रिंट कराया। एरे एलिमेंट, ठीक है, ये मैसेज प्रिंट करवा दिया। और अब हमें मल्टीपल वैल्यू एरे के अंदर इनपुट करानी है तो उसके लिए हमको लूप चलाना होगा। लूप हमने यहाँ पे चलाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे भी हमको वो वेरिएबल जिससे हम लूप चलाएंगे उसको इनिशियलाइज करना होगा। और फिर हमने यहाँ पे लूप चलाया तो लूप को इनिशियलाइज कर रहे हैं हम जीरो से। तो हम बोल रहे हैं कि जीरो, क्योंकि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, तो हमने आई को इनिशियलाइज किया है जीरो से। और फिर i जो है वो लेस देन इक्वल 4, हम लेस देन इक्वल 4 करेंगे तभी वो 5 एलिमेंट को यूजर से इनपुट में लेगा। तो यहाँ पे हमने 4 कर दिया और फिर यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीमेंट करने के बाद अब हम स्कैनर फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमको लूप के थ्रू जो भी हम वैल्यू इनपुट कराएंगे वो यही कराएंगे यूजर लूप के थ्रू। स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे और परसेंट d इंटीजर टाइप डेटा को इनपुट कराना है हमको, इसलिए हमने परसेंट डी का यूज किया। और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ए के अंदर हमने आई को स्टोर करवाया। अब जो भी अब वैल्यू जो इनपुट करेंगे वो हमने आई की वैल्यू इनिशियलाइज की है जीरो से, ये हमारी इंडेक्सिंग है जीरो। तो अब अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे तो जीरो इंडेक्सिंग के ऊपर वो प्रिंट हो जाएगी। मैंने 10 वैल्यू इनपुट की है तो जीरो इंडेक्सिंग पे जाके स्टोर हो जाएगी। और अगर फिर बाद में आई की वैल्यू जीरो से इंक्रीमेंट होकर 1 होगी तो फिर यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग, कह रहे 1 इंडेक्सिंग के ऊपर जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे वो वहां पे स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से 5 एलिमेंट्स तक वो जो इंडेक्सिंग है वो चलती जाएगी और आपकी दी गई वैल्यू जो होगी स्टोर होती रहेगी। तो इस तरह से स्कैनर फंक्शन का यूज करके हम उसमें वैल्यू इनपुट में लेंगे। अब इसके बाद में हमको वापस लूप चलाना है, क्योंकि हमको रिवर्स प्रिंट करवाना है। तो वापस हम प्रिंटर फंक्शन का यूज करेंगे और फिर हम ये मैसेज देंगे रिवर्स प्रिंट होना चाहिए। तो रिवर्स एरे एलिमेंट आर रिवर्स, ऐसे लिख सकते हैं रिवर्स एलिमेंट। एलिमेंट आर मैसेज प्रिंट होना चाहिए, रिवर्स होके जो भी आएगा उसमें एक मैसेज हमारा प्रिंट होना चाहिए। ये दिया, अब हमको वापस लूप चलाना होगा। सिमिलर टाइप का लूप चलेगा जैसे कि ऊपर चला है। तो यहाँ पे आई लेस देन लूप को रिवर्स प्रिंट करवाना है तो हम वापस सिमिलर टाइप का लूप नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमें रिवर्स प्रिंट करना है। रिवर्स प्रिंट करने के लिए ये लूप उल्टा चलेगा। तो इक्वल करो फॉर आई इक्वल 4, आई को इनिशियलाइज किया है मैंने 4 से, और फिर आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है, हमें रिवर्स प्रिंट कराना है। फिर आई माइनस माइनस, पूरा लूप जो होगा वो उल्टा ही चलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन का यूज करके और फिर उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रिवर्स जो हो गया आएगा उसको हम यहाँ स्टोर करवा देंगे। उसके लिए हमने परसेंट डी का यूज किया क्योंकि इंटीजर टाइप का ही डेटा है। और फिर एड्रेस वो ए ऑफ आई जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यानी कि एरे के अंदर जो भी हम वेरिएबल हमारा जो रिवर्स होके आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एंड हम गेट सिस फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम गेट सिस फंक्शन का यूज करके और प्रोग्राम को यही क्लोज करेंगे। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक आउटपुट किस तरह शो हो रहा है हमारा। और स्कैनर फंक्शन यहाँ पे अपने क्या एरर शो हो रही है, फंक्शंस मेन फंक्शन स्कैनर फंक्शन हो गया। सॉरी, अपन ने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया था, इसकी एरर आ रही थी। अब पूछा एंटर एरे एलिमेंट, तो हमने इनपुट किया 10, 20, 30, 40, 50।
फाइव एलिमेंट्स ही इनपुट कर सकते हैं क्योंकि हमने साइजेस की फाइव दे रखी है एरे की, ठीक है। रिवर्स एलिमेंट आर 50 40, ये रिवर्स प्रिंट हो गया है, यहाँ स्पेस नहीं आ रहा है तो हम इसको स्पेस को कवर करते हैं, स्पेस देते हैं ताकि हमारा आउटपुट सही आए, सॉरी। तो यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो स्पेस में प्रिंट होगा। अब इसको वापस एग्जीक्यूट करते हैं, हम एंटर एलिमेंट 10 डाला था, 20 30, आप कोई भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है मैं जो डाल रही हूँ वही आप डालें, आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, आपको रिवर्स प्रिंट करके देगा। जैसे 50 40 30 20, जैसे पहले लास्ट में 40 है, 50 है, फिर 40 है, फिर 30 है, 20 और 10 है, तो इस तरह से यहाँ रिवर्स प्रिंट हो गया है। तो आप एरे के थ्रू भी रिवर्स प्रिंट करा सकते हो।